वंस अपॉन अ टाइम के इस वीडियो में आज हम आपको पाकिस्तान के एक सूबा सिंध के एक अहम जिला थर पारकर के बारे में बताएंगे। इसे आम तौर पर थर भी कहते हैं। थर पाकिस्तान के पांच सहराओं में से एक है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। पाकिस्तान के सूबा सिंध के दारुल खिलाफा से 409 किलोमीटर दूर ये सहरा वाक़िया है। इस सहरा का सदर मकाम मिट्टी है। 19,638 किलोमीटर मुरब्बा स्क्वायर में फैला ये सहरा कभी जरफेज था, लेकिन एक तहकीक के मुताबिक इसका ज्यादातर हिस्सा तब भी सहरा ही था। 2000 कबल मसीह से 1500 कबल मसीह के दरमियान इस तहकीक में ये भी बताया गया कि कभी यहाँ से दरियाए सिंध की एक आबदोशी भी गुजरती थी। कुछ मोरफीन ये भी कयास करते हैं कि ये दरिया हिंदुओं की मजहबी किताब ऋग्वेद में मरकूज सरस्वती दरिया हो सकता है, मगर इस इलाके का जिक्र लावन सागर के नाम से संस्कृत की किताब रामायण में भी किया गया है। वादी सिंध की तहजीब, जो कि दुनिया की कदीम तरीन तहजीब में शुमार की जाती है, आज भी सिंध के इस इलाका थर के अंदर आपको जिंदा मिलेगी। यहाँ की हाथ से बनी गली तकरीबन 4000 साल पुरानी है। यहाँ बहुत सारे खानदानों ने हुक्मरानी की, जिनमें सुमरो, समन, परफून, कलहोरो और तानपुर शामिल थे, मगर सिंध के इस हिस्से पर किसी खानदान ने ज्यादा वजू नहीं दी। बरतानवी दौर हुकूमत में जब अंग्रेजों ने सिंध फतह किया तो थर को हैदराबाद कलेक्ट्रेट में शामिल किया गया। वादी सिंध पर आखिरी हुक्मरानी तालपुरों की थी, जिनसे अंग्रेजों ने इसे छीना। मौसमी लिहाज से ये पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाके में शुमार किया जाता है, जिनको इस इलाके का मौसम काफी गर्म रहता है, मगर रात को यही मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है। बारिशें इस इलाके में कभी कभार ही होती हैं। साला साल बारिशें ना होने की वजह से यहाँ शदीद पानी की किल्लत भी रहती है, लेकिन इस इलाके में जब बारिश पड़ती है तो इस इलाके का मंजर दीदनी होता है। हर जगह खूबसूरत पौधे उग पाते हैं। खूबसूरत वादी में ये तब्दील हो जाती है। हरी भरी चीज़ों से इसका मंजर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। कुदरती ज़खायर से लैस ये इलाका 185 अरब टन कोयले के ज़खायर रखता है, जो कि दुनिया के सातवें बड़े ज़खायर में शामिल है। पाकिस्तान की एक कसीर हिंदू आबादी इसी इलाके में आबाद है। ज़िले के मोर भी बहुत मशहूर हैं। ये मोर इस इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। यहाँ के लोग आज भी रली, पुतली साजी, कलीन साजी, बर्तन और अपनी तहजीबी सजावट जैसी चीज़ों से ज़रा मवाद कमाते हैं। वंस ऑन अ टाइम की सीरीज पाकिस्तान के सफ़र की किस्त नंबर 2 कदीम तरीन थर अब इख्तिताम पज़ीर। देखने वाले और सुनने वालों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।